हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि हम लोग बिहार बिजली स्मार्ट मीटर में कैसे चेक करेंगे कि हमारा डेली का कितना पैसा कट रहा है हमारे स्मार्ट मीटर से। दोस्तों, हम लोग अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन पता लगा सकते हैं और अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि हमारे स्मार्ट मीटर से डेली कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम प्ले स्टोर को ओपन कर लिए और यहाँ पे हम सर्च बार में टाइप करेंगे बिहार सुगम स्मार्ट मीटर लिख करके सर्च कर देंगे। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। हम पहले से इंस्टॉल किए, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ बिहार के लिए ये एप्लीकेशन है। दोस्तों, अगर आप लोग साउथ बिहार से हैं तो आपके लिए दूसरा एप्लीकेशन होगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ओपन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर देना है। सारा परमिशन को यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद से देखिए, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर में देखिए कंज्यूमर नंबर और मीटर नंबर लिखा हुआ है। आप लोग मीटर नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं तो मीटर नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर कंज्यूमर नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंज्यूमर नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डाल लेते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और यहाँ पे हम लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे जो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पर आपको टिक आउट नहीं लगाना है। अगर इस बॉक्स पर आप लोग टिक आउट लगा देते हैं तो आपको लॉगिन नहीं कर पाइएगा। दोस्तों, आप लोग लॉगिन नहीं कर पाइएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद से मोबाइल नंबर डाल करके बिना टिक आउट लगाए यहाँ पे हम लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, लॉगिन पर जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए हैं, ओटीपी आ गया है। ओटीपी हम यहाँ पे डाल लिए हैं और यहाँ पे हम वेरीफाई पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो गया, यानी कि हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा बैलेंस यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ऊपर में कंज्यूमर नंबर शो हो रहा है और यहाँ पे नीचे में आप लोग देख सकते हैं यूजेस लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यूजेस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं यूजेस पर क्लिक किए हैं, देखिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल कर के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर में यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं डेट लिखा हुआ। ऊपर में देखिए, यहाँ पे 7 यानी कि 7 डे पर यहाँ पे टिक आउट लगा हुआ है। और ऊपर में देखिए 30 डे लिखा हुआ है। इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो 1 महीने तक के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगातार। और यहाँ पे देखिए 1 महीने तक देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, हम ये कैसे चेक करेंगे कि डेली कितना पैसा खर्चा हो रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट, यहाँ पे देखिए 9 रुपया 63 पैसा यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि डेली हमारे यहाँ देखिए 9 रुपया यानी कि 10 रुपया के आसपास यहाँ पे कट रहा है। ऊपर में देख सकते हैं, ये सारा चीज़ को जोड़ करके यहाँ पे 9 रुपया 63 पैसा है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना लग रहा है। यहाँ पे देखिए 8 रुपया कुछ पैसा यहाँ पे आपको लग रहा है डेली का, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखिए क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स इसमें शो हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से पता लगा लेना है कि डेली आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट डेली यहाँ पे 9 रुपया के आसपास, 8 रुपया 7 रुपया जैसे जैसे यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए खर्च यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे 7 दिन का देख सकते हैं और 30 दिन का भी देख सकते हैं। अगर 1 महीना का देखना चाहते हो तो 30 दिन पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे 7 दिन का देखना चाहते हैं यानी कि 1 सप्ताह का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप लोग 7 दिन का ही देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि हमारे स्मार्ट बिजली मीटर का डेली का कितना पैसा कट रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भूलेगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना भूलेगा। वीडियो देखने के बाद मन में कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, हम उस डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।